नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया, मां का अद्भुत पंडाल, हर कोई पहुंचे मां वैष्णो देवी दरबार। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में गांव वालों ने बना दिया मां का अद्भुत पंडाल, हर कोई पहुंच रहा वैष्णो देवी दरबार। नगर विधानसभा क्षेत्र गाडोली गांव में मां भक्ति व कमेटी के द्वारा मां वैष्णो देवी के रूप में भव्य पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल को बनाने में लगभग 2 माह समय लग गया और लगभग 6 लाख रुपए की अधिक खर्च हुआ है। आयोजक की माने ग्रामीण क्षेत्र के लोग मां वैष्णो देवी नहीं जा पाते, इसका सबसे बड़ा का आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ जीवन यापन व्यवस्था के समय होना भी है। इस मां के दरबार में लोग आ रहे हैं। बिमलेश जी, देखा जा रहा है कि जो आपने इस बार आपके यहाँ गांव में वैष्णो देवी के रूप में जो है एक पंडाल बनाया गया है, किस तरह का यह पंडाल है, कितने टाइम लगा इसको बनाने में और क्या कुछ है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। एक्चुअली पंडाल 2 महीने पहले हमने प्लानिंग किया था कि इस बार वैष्णो देवी को यहाँ पर बुलाया जाए, वैष्णो देवी को बुलाया जाए यहाँ पर। तो क्षेत्रीय लोगों से बातचीत हुई कि भाई ऐसा करना है तो सब लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि हमें गुफा बनाना है और उसमें अधिक से अधिक लोगों को उसके बाद के लिए भी चाहिए होता है। पंडाल तो बना लेंगे लेकिन उसका सेफ्टी तो ज़रूरी होता है, तो इसके लिए सारे जो हमारे कमेटी के मेंबर हैं, मीटिंग हुआ था, गाँव के बुजुर्गों से मीटिंग हुआ था, थाने पर मीटिंग हुई थी, तो सब लोगों ने बताया कि ठीक है चलो आप लगो, हम लोग साथ देंगे। तो सारे के सारे लोग एक साथ लगे और हमने इसको 2 महीने में लगभग पूरा किया। किस तरीके की व्यवस्था है आपकी समिति के तरफ से, क्योंकि देखा जा रहा है कि जनपद का ये पहला ऐसा पंडाल है जो एकदम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तो इस पे आपकी समिति के द्वारा जो है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या किया गया? पुलिस प्रशासन यहाँ तक जो हमारे थाना इंचार्ज हैं वो बार बार उनके द्वारा सहयोग मिल रहा है, पूरा सहयोग है। वो यहाँ पे थाने के लोग लगभग 8 से 10 की संख्या में रहते हैं, अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम तुरंत उनको सूचित करते हैं। पंडाल है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तो क्या लागत लगा इसको बनाने में, किस तरीके से आप लोगों ने योजना बनाया और इसको जो है प्रतिदिन को आपने उतारा है? इसमें 6 लाख रुपए लगभग लगे, 6 लाख। और ये कलाकार तो हमारे यहीं के स्थानीय है, उन्होंने पंडाल बनाया, लेकिन जो उसमें कॉस्टिंग लगी है जैसे बांस बल्ली होती है और काट के पट्टे, कपड़े, मूर्ति, मतलब ये लेके कपड़ा 6 लाख के आसपास तक पड़ा है। और इसमें हमारे क्षेत्रीय लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, कुछ लोग यहाँ से माता रानी के दर्शन करने नहीं जा रहे थे, उसमें बहुत कमजोर है, तो हमने सोचा कि आज इस बार माता रानी के दर्शन चाहते सबको, तो हम लोग और सबसे पहले बात होती है सारी कमेटी सभी क्षेत्रीय लोगों से बात हुई कि भाई हम लोग रखते हैं और सामाजिक सहयोग भी रहता है और हम चाहते हैं कि सहयोग हमेशा बना रहे। और भीड़ आती है, भीड़ का हम लोग यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते थे, इस साल नहीं कराए ताकि ये गुफा बनाया है तो उसमें मेंटेन करने के लिए हम लोगों को दिक्कत होती थी, हमका चलो इस बार प्रशासन का भी उचित सहयोग हमारा। लगभग कितना ऊंचा बनाया गया है जो गुफा बनाया जो 40 फुट के आसपास है? 40 फुट के आसपास, 40 फुट, मतलब पूरी यात्रा अगर देखी जाए तो 40 फुट की है जी। हमारा नाम अरविंद कुमार डिपू है, मैं इस समिति का अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है आपके समिति? माँ भक्ति व कमेटी गोठौली बाजार बलिया। देखा जा रहा है कि नवरात्र पर आपने माता वैष्णो का जो है पूरा जो दृश्य है वो आपने वो छवि उतारी है, तो किस तरह का उत्साह है आपके आयोजकों में और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें, और क्या कुछ इससे आप कहना चाहते हैं? यहाँ हम कहना चाहते हैं कि जो भी लोग हैं, बहुत लोग हैं जो कि वैष्णो देवी माँ के दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे मन में आया कि यहीं पे आज माँ वैष्णो देवी का दर्शन सभी गांव वासियों क्षेत्रवासियों को कराया जाए और गांव में और गांव के अगल बगल के भी गांव में क्षेत्र में पूरा इसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। इससे हमारे गांव के सभी लोगों को बड़ी उत्साह है, कमेटी के लोग भी इससे बहुत खुश हैं और हर साल इससे भी अच्छा करने के लिए उत्साहित रहेंगे। कितना समय लगा इसको बनाने में, किस तरह का सहयोग रहा आम जनता का? सहयोग हर साल के बाद 30 साल अच्छा रहा है और बच्चे उत्साह से काम किए हैं। हम लोगों का दिन में तो काम नहीं होता है, रात रात में हम लोग का करने से 2 महीना का समय लगा है। 2 महीना लग गए इसमें। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे नवरात्र शारदीय नवरात्र के 2023 पर बलिया के लोगों?
हमारे जिले के लोग खुश रहे, जिले के लोग खुश रहे, पूरा देश खुश रहे, नवरात्र शांति से मनाया जाए, हर साल इसी तरह मनता रहे।